नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आखिर क्या है ये NRA, जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है NRA को लेकर के, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रस्ताव। ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा पास किया गया है। अब NRA क्या होगा? NRA एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होगी जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, CET सेट, जो कि जितनी भी आपकी मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे कि IBPS है, SSC है, रेलवे है, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं अलग अलग, जैसे CGL का SSC के द्वारा कराया जाता है, CGL, CHSL और भी GD वगैरह के एग्ज़ाम है, रेलवे के द्वारा ग्रुप डी के और अदर एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, इसी तरीके से IBPS के द्वारा बहुत सारे बैंकों के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। तो इन सब के लिए पहले एक CET होगा। जो भी कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करता है वो पहले एक ही पेपर देगा, यानी SSC वाले का भी वही पेपर होगा, रेलवे वाले का भी वही पेपर होगा और IBPS वाले का भी वही पेपर होगा। उसको पास करने के बाद आपको एक मार्कशीट, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और उसके आधार पर आप अपनी चॉइस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो भीड़ होती थी Tier 2 में, जितनी भीड़ जाती थी, यानी कि मान लीजिए कि Tier 2 के लिए अभी की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर 15,000 कैंडिडेट किसी भी 15,000, या उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर 100 कैंडिडेट Tier 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो अब ये NRA लागू होने के बाद इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि केवल 5% कैंडिडेट्स जो हैं वो Tier 2 में पहुंचेंगे, जिससे कि आपका कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम होगा। तो ये अभी तक एक आइडिया लगाया गया है, आगे देखेंगे इसका क्या प्रभाव होगा जब ये लागू होगी। तो अब NRA के बारे में कुछ जान लेते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी एंड ईज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और काफ़ी चीज़ें आसान होगी। जैसा कि अभी क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग एजेंसी है, जैसे IBPS, SSC है, RRB है, इनके द्वारा अलग अलग एग्जामिनेशन करवाया जाता है, जिसमें बेरोज़गारों को बार बार फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ती है। आपको हर एग्ज़ाम को देने के लिए ट्रेवल भी करना पड़ता है, पूरे साल आप इधर उधर ट्रेवल करके एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो आपका ट्रेवल का खर्चा भी लगता है। सेंटर्स भी कई बार दूर आते हैं, तो पूरे साल आप अलग अलग जगह एग्ज़ाम देते रहते हो। लेकिन NRA में क्या होगा कि जितने भी आपकी बेरोज़गार युवाओं के दुखदायी पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स जिन्हें कहा गया है, यानी कि आपकी जो ये समस्याएं हैं इनका निदान किया गया है, और एक कॉमन एडमिशन टेस्ट एक तरीके से आपका होगा, Tier 1 एग्ज़ाम, जिसे जो Tier 1 की स्टेज है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपकी रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो या SSC की हो, उसको ये एक ही टेस्ट एक ही जगह देगा। यानी कि रेलवे के, IBPS के, SSC की सारे कैंडिडेट्स एक ही एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और उसके आधार पर उनको स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आगे शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो NRA जो क्या है, बर्डन दूर करने वाला है, ना केवल कैंडिडेट्स का बल्कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है इनका भी बर्डन इससे दूर होगा। उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक साथ जो परीक्षा करवाना, सेंटर्स की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, ये कैंडिडेट्स को गिव्स मोर चॉइसेस टू जॉब सीकर्स, यानी जो बेरोज़गार है, जो जॉब चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा चॉइस लाएगा। किस तरीके से कि एक स्टैंडर्ड करिकुलम यह प्रोवाइड करेगा, जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी है उसको कम करेगा। इसके लिए क्या होगा कि आप मल्टीपल चॉइस में, पूरे इंडिया में मल्टीपल चॉइस में, आप मल्टीपल जो आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा इस CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर आप Tier 1 एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, यानी शॉर्टलिस्ट होंगे Tier 2 और Tier 3 एग्ज़ाम के लिए। यानी अगर आपने ये एग्ज़ाम स्कोर इसमें, इसके स्कोर के आधार पर ही आप IBPS का Tier 2 में जाएंगे, या रेलवे के Tier 2 या Tier 3 में जाएंगे, या SSC के Tier 2 या Tier 3 में जाएंगे, तो
ये चीज़ें होने वाली है। इसके बाद में जो आपका सीईटी का स्कोर होगा ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और इन 3 सालों में ये जो सीईटी बार बार होगा, कहा यह जा रहा है कि ये साल में 2 बार होगा, तो आपके पास 6 ऐसे मौके होंगे 3 साल में जिनमें कि आप सीईटी देख करके अपना स्कोर सुधार सकते हैं, और जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो ही काउंट किया जाएगा उसको, यानी वो आपका, चाहे आपने पहले प्रयास में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हों या बाद वाले प्रयास में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हो, तो आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा, तो इसका ये फ़ायदा होगा, और आपको ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए बार बार घूमना नहीं पड़ेगा, फीस नहीं भरनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको देने, आपका अब ये है कि आप साल में अगर 2 बार सीईटी का एग्ज़ाम होगा तो आप 2 बार आप दोगे ही, और अपर एज लिमिट आपकी होने तक आप दे सकते हो। इसके अलावा जो ओबीसी एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में दिया जाएगा। अब इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के द्वारा गुड गवर्नेंस की इसमें बात कही गई है। इसमें क्या होगा कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस, जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसका टाइम कम करे, इसमें कम होगा, रिड्यूस करेगा उस टाइम को। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी भर्तियां हैं वो कहीं कहीं सालों तक अटकी पड़ी रहती हैं, तो उसको ये कम करने का काम करेगा। साथ ही जो कैंडिडेट्स की जो कठिनाइयां हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, जो एक ही दिन दो दो एग्ज़ाम है तो वो एक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता है, कई बार ऐसा भी होता है कैंडिडेट्स के साथ कि वो दो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है लेकिन दोनों एग्ज़ाम एक साथ होने के कारण वो दोनों में अपीयर नहीं हो पाता है, तो उसको एक जो एग्ज़ाम है वो छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो दोनों एग्ज़ाम दे पाएगा और उसकी एलिजिबिलिटी भी काम आएगी, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए वो आगे एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं कि सीईटी जो है ये 1,000 सेंटर्स पर होगा पूरे देश में। 1,000 सेंटर्स का मतलब ये है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। इसके अलावा 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जहाँ पर कि जो आपके मुख्य तौर पर जो बड़े लेवल पर एग्ज़ाम होंगे, जिनके जिनको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। इसके अलावा बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स एंड वुमन, यानी वुमन और जो गांव ग्रामीण इलाकों के कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें ज़्यादा सुविधा होगी। इसके बाद में क्या है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर, जो बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा मौके यहाँ पर मिल रहे हैं। किस तरीके से, एक तो सेपरेट सीईटी जो है वो 3 लेवल पर करवाया जाएगा, सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स, 3 लेवल पे होगा। एक तो आप ग्रेजुएट लेवल पर होगा, एक 12th लेवल पर होगा यानी हायर सेकेंडरी लेवल पर, एक 10th पास यानी मेट्रिकुलेट लेवल पर होगा, यानी तीनों तरह के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए अलग अलग लेवल पर ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप 10th के लेवल पर दे सकते हैं, 12th के लेवल पर दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के लेवल पर दे सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह की पोस्टों को छोड़ करके जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए ये सीईटी है वो टीयर 1 का जो पेपर होता है उसको रिप्लेस कर देगा। यानी क्या कि एसएससी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, एसएससी रेलवे आरआरबी का है और आईबीपीएस का, जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 इस तरीके से होते हैं, तो उनका टीयर 1 का एग्ज़ाम सब एक ही जगह हो जाएगा। यानी रेलवे वाला भी वो एग्ज़ाम वही पेपर देगा, आईबीपीएस वाला भी वही पेपर देगा और एसएससी वाला भी वही पेपर देगा, और उसको फिर टीयर 1 यानी सीईटी का एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उसके आधार पर वो शॉर्ट लिस्टेड होगा अपनी चॉइस के एग्ज़ाम में। यानी एसएससी वाला एसएससी के टीयर 2 में जाएगा, रेलवे वाला रेलवे में और आईबीपीएस वाला आईबीपीएस में। इसके अलावा जो सीईटी है ये जो कैंडिडेट्स ग्रुप B और C की जो पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रुप B और C की पोस्ट है उनके लिए भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगा डायरेक्ट, तो ये सारी चीज़ें इजी होने वाली है। इसके अलावा NRA पुट्स द जॉब सीकर फर्स्ट, यानी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो है इसमें पहले स्थान पर रखा गया है। इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट, कैंडिडेट्स अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो
तय कर सकता है। इसके अलावा अपना सेंटर जो है अपनी चॉइस से उसको बहुत सारी ज़्यादा चॉइस मिलेगी। अभी तक ऐसा होता था कि आपको कई बार स्टेट के बाहर भी जाना पड़ता था, दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था। अब आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी आपके आसपास मिल सकता है आपको सेंटर। इसके अलावा टू फैसिलिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फैसिलिट करने का प्रयास किया गया, किस तरीके से कि सीईटी स्कोर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपका काम आएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी में काम आएगा, यूनियन टेरिटरीज पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में भी आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड होगा। इसके अलावा वुड आल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड, और जो आपकी ये एजेंसियाँ हैं इनका टाइम और पैसा भी बचेगा जो कि एग्ज़ाम पर खर्च करती हैं, एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके अलावा एनआरए टू हेल्प स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि एनआरए जो है साल में 2 बार सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेंट्स का, इसके अलावा जो रोल नंबर एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट मेरिट लिस्ट जो भी निकलेगी वो सब ऑनलाइन होगी। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स हैं वो एक साथ सीईटी के माध्यम से शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये प्रक्रिया बहुत इजी होने वाली है। इसके अलावा जो आपका मीडियम ऑफ राइटिंग है यानी कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, वो बहुविकल्पी प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा। इसके अलावा कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें सीईटी में नहीं होगा। बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियर होंगे किसी भी स्पेशलाइज एग्ज़ाम के लिए वो 5% गेट रिड्यूस टू नियरली 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के 5% तक के कम हो जाएंगे। अब वो किस तरीके से होंगे वो ये प्रक्रिया अप्लाई होने पर ही आपको समझ में आएगा, कि क्योंकि जो कैंडिडेट्स पहले एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे थे और बैंक के लिए अप्लाई कर रहे थे या रेलवे के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो जब वो स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको वो उस एग्ज़ाम में जाना पसंद करेंगे जिसमें उनके ज़्यादा चांसेज हैं, जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा उनके नज़दीक है। तो उससे क्या होगा, कैंडिडेट्स का जो कंपटीशन है आपका एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।